हेलो क्रिकेटर्स, क्रिकेट कार्डियो की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका चैनल होस्ट गगन सांगवान। ग्लव्स देख के तो आप सभी समझ ही गए होंगे आज की वीडियो किस बारे में। तो आज की वीडियो में आपको विकेट कीपिंग के ड्रिल्स जो आप घर में आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए विकेट कीपिंग दोस्तों एक इजी जॉब नहीं है, क्योंकि अगर आप बॉलर हो तो आप 6 बॉल करते हो और उसके बाद आपके कुछ ओवर्स बाद बॉलिंग आती है, तो आपको इंटरवल्स के रेस्ट मिलते हैं। अगर आप बैट्समैन हो तो आप जब तक बैटिंग कर रहे हो तब तक आपको बॉल पे फोकस करना पड़ता है, और जैसे ही आपकी विकेट चली जाती है उसके बाद आपको आराम ही आराम मिलता है। बट विकेट कीपर को दोस्तों चाहे आप अच्छी कैचेस पकड़ो, चाहे आप पीछे अपने ड्रॉप चांसेस करो, आपको बॉल पे फोकस ही रखना होता है जब तक इनिंग्स खत्म नहीं हो जाती है। तो आपने काफ़ी सारे विकेट कीपर्स के उंगलियों को तो देखा ही होगा, उनकी कैसे टूटी रहती है उंगलियाँ। तो दोस्तों अगर आपको मैच को विकेट के पीछे से पलटना है तो उसके लिए आपको करनी पड़ती है बेस्ट ड्रिल्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 ही ऐसी ड्रिल्स बताने वाला हूँ। चलिए ड्रिल्स को देखिए। तो दोस्तों ड्रिल बताने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि मैं अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स के अंदर क्या क्या पहनता हूं। सबसे ऊपर तो विकेट कीपिंग ग्लव्स आते हैं, उसके बाद आते हैं विकेट कीपिंग इनर्स, और इसके अंदर मैं एक और इनर्स पहनता हूं क्योंकि इसमें ही मैं कंफर्टेबल हूं। ये आपको अपना देखना पड़ेगा कि आप सिंगल इनर्स के साथ कंफर्टेबल हो या डबल इनर्स के साथ। कुछ लोग तो विदाउट इनर्स भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। अब सबसे पहले ड्रिल आती है नॉर्मल। आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको विकेट कीपिंग का स्टांस लेना है, और स्टांस के बाद आपको बस नॉर्मल अपने बॉडी के पास बॉल कलेक्ट करनी है। ये सबसे फर्स्ट ड्रिल है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बढ़ते जाएंगे प्रोफेशनल ड्रिल्स तक। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये ऐसे आपको प्रॉपर रिसीव करनी है, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे झपट्टा नहीं मारना है आपको, बॉल आएगी आपको प्रॉपर रिसीव करनी है। मैं आपको एक लास्ट और दिखा देता हूँ, ऐसे प्रॉपर रिसीव। जैसे जैसे आप करोगे दोस्तों आपके जो फास्ट बॉलर्स होते हैं आपने उसको मूवमेंट के साथ प्रॉपर रिसीव करनी होती है, तो ये ड्रिल उसमें काम आएगी। अब सेकंड ड्रिल की बात करते हैं। तो दूसरी ड्रिल दोस्तों उन विकेट कीपर्स के लिए जिनको जो ऐसे स्टांस लेके जिनकी अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाती है ऑफर लेग की, जिनके मतलब स्टेपिंग अच्छे से नहीं बन पाती है, दूसरी ड्रिल वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक कोन रखा है और दूसरा कोन मैंने वहाँ पे रखा है, इसके बीच में हमें क्या करना है, सिंपल ऐसे मूवमेंट करनी है, और सामने हमारा एक फैमिली मेम्बर होगा वो हमें बॉल रिसीव कराएगा, हमें अच्छे से रिसीव करनी है, और यहाँ पे रुक के फिर हमें वहाँ पे जाना है और रिसीव करनी है। तो ये सिंपल सी ड्रिल है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है ये। तो दोस्तों ऐसे ये वाली आपको ड्रिल प्रैक्टिस करनी चाहिए मूवमेंट के लिए। अब बात आती है तीसरी ड्रिल की। तीसरी ड्रिल दोस्तों हम करेंगे सिंगल हैंड कैचिंग बिहाइंड द स्टंप्स। ये मेरी आज की स्टंप्स है क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक के स्टंप्स नहीं है, और जो आपकी वुडन स्टंप्स होती है वो फ्लोर में तो गड़ नहीं सकती है, तो इसीलिए मैंने इनको स्टंप्स बनाए। आपको क्या करना है, इसमें स्टंप्स के पीछे ऐसे बैठ जाना है, इसमें हम सिंगल हैंड से कैच करेंगे, दूसरा हाथ हम अपने पीछे रख लेंगे, और हमारा फैमिली मेम्बर जो भी है वो थ्रो करेगा, हमें सिंगल हैंड से ही रिसीव करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ऐसे प्रॉपर आपको रिसीव करनी है, ऐसे ऐसे। तो ये ड्रिल दोस्तों कहां काम आती है, आप जब स्पिनर्स के यहां पे एजेस आते हैं वो आपके फंबल हो जाते हैं और आपके वो कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, तो जितना आप सिंगल हैंड से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से आप कैचिंग कर पाओगे सिंगल हैंड से, उतने ही आपके दोनों हाथों से एक अच्छी कैचिंग होती जाएगी। अब हम चलते हैं चौथी ड्रिल पे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। अब हम बात करते हैं चौथी ड्रिल की। हमें एक ऑब्स्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, ये हमारी ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी, आप कोई भी चेयर का यूज कर सकते हो। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपके फैमिली मेंबर को इसके नीचे बॉल फेंकनी है ताकि आपके इधर उधर थोड़ी सी डाइवर्जन मिले बॉल को और आप अच्छे से पकड़ ना पाओ, आपके लिए मुश्किल होए।
तो ये आपको ड्रिल मैं करके दिखाता हूँ अब। ये देखो, आपको थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाना है और अपना स्टांस ले लेना है विकेट कीपिंग का, ऐसे ऐसे। क्योंकि इसमें क्या होएगा दोस्तों, जैसे बैटिंग और मैच के टाइम होता है, बैट्समैन जब सामने खड़ा होता है, स्पिनर के टाइम आपको बॉल अच्छे से नजर नहीं आती है क्योंकि बैट्समैन सामने आ जाता है। तो ऐसे ही एक ऑब्स्ट्रक्शन का यूज करके हम इसकी इस ड्रिल की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, अब यहां पर रुक गई, तो आपको क्या करना है, बाउंस के साथ ही उठना है। जैसे बॉल बाउंस खाएगी उसी के साथ आपको उठना है, क्योंकि यही अच्छी ड्रिल होती है। उसके बाद क्योंकि अगर आप उससे पहले उठ गए तो बॉल नीचे रही तो आप वो अच्छे से गैदर नहीं कर पाओगे और आपकी वो मिस हो जाएगी और पीछे जाके आपके बाइक रन हो सकते हैं। मैं आपको एक और बार करके दिखा देता हूं। ये देखिए, बाउंस के साथ में उठा। तो ये ड्रिल दोस्तों आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं आखिरी ड्रिल पे। दोस्तों आखिरी ड्रिल उन विकेट कीपर्स के लिए जो बाउंस से पहले ही अपनी बॉडी को उठा देते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। बॉल बाउंस करती नहीं है, बॉल के बाउंस से पहले ही आप उठा देते हैं और फिर आप ऐसे चेंज करते हो अपने बॉडी को और नीचे वाली बॉल आपकी निकल जाती है और बाय के आपके एक्स्ट्रा रन हो जाते हैं। तो इस ड्रिल को हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी और इस लेवल पे होने कोई भी चीज़ सामने स्टिक या फिर कोई आपके पास स्टंप है तो स्टंप का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई भी पार्टनर तैयार नहीं होता है खड़ा होने के लिए तो फिर आपको एक वायर लगा सकते हैं, कोई भी धागा वागा लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको ड्रिल करके दिखाता हूँ कैसे। आपको विकेट कीपिंग स्टांस लेना है और ये ऐसे बाउंस के साथ उठना है। आपको पूरा नहीं उठना है, इसी के लेवल का रहना है। मैं आपको लेग साइड की भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इस लेवल के नीचे ही हूं, इसके ऊपर नहीं जाना है दोस्तों, आपको इसके लेवल के नीचे ही रखना है अपनी बॉडी को ऐसे जल्दी से। मैंने आपको सेकेंड ड्रिल में मूवमेंट की भी दिखाई थी, तो जल्दी से जल्दी मूवमेंट करनी है। तो ये पांच ड्रिल दोस्तों अगर आप विकेट कीपिंग के लिए प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो विकेट कीपर्स, आप घर में रहते हुए इन ड्रिल्स को प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्त जो आपके विकेट कीपर्स दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप अपने टॉपिक्स बताते रहिए, जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और हाँ दोस्तों, हमारी 5K की सब्सक्राइबर्स की फैमिली जल्दी ही पूरे होने वाली है, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे ज़रूर दबा देना। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। ये कट कर दिया।